इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वज़ीर दाखला अमित शाह के इजलास के जरिए भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, हजारों की भीड़ से क्या कोरोना गायब हो गया? आज का दिन बेलगाम शहर और अतराफ के लिए अमित शाह का रहा। वैसे बेलगाम शहर में वज़ीर दाखला के आमद से पहले ही एहतजाज जारी हुआ था। किसानों की जानिब से वज़ीर दाखला अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई। अमित शाह गो बैक, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, येडुरप्पा मुर्दाबाद के नारे किसानों की जानिब से लगाए गए। चंदमा सर्कल में एहतजाज किया गया, आखिरकार पुलिस की जानिब से इनको गिरफ्तार किया गया। वाज़ह है कि पूरे देश में भाजपा मोदी अमित शाह के खिलाफ किसानों की जानिब से एहतजाज किए जा रहे। आज गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किसान कानून के मद्देनजर एहतजाज किया गया। पुलिस ने जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी फरमाई, इस पर भी आवाम की जानिब से नाराजगी का इजहार किया गया। तकरीबन रैलियों में या इजलासों में भीड़ किराए के ही लाई जाती है। आज दूर दराज से शक्ति प्रदर्शन के लिए आवाम को किराए से लाए जाने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। अक्सर देहात के लोग ही नजर आ रहे थे। शहर बेलगाम से लोगों की शिरकत ज्यादा न होने की बात कही जा रही। इसी तरह का इल्जाम अक्सर भाजपा की रैलियों में लगाया जाता है। इससे पहले भी हैदराबाद या बंगाल में अमित शाह की रैलियों में भीड़ बिहार यूपी से किराए पर लाने की बात कही जा चुकी है। लिहाजा बेलगाम शहर और अतराफ देहात तालुकाओं से भीड़ को मंगवाने की बात आवाम की जानिब से की जाती। कोरोना का खतरा, अभी भीड़ न टलने की बात वजीर आजम कहते हैं, पर ज्यादा आवाम को जोड़ने की और शक्ति प्रदर्शन का मुजाहरा करने की बात भाजपा कायदों की जानिब से अक्सर कही जाती है। कोरोना वैक्सीन देने का काम जारी है तो बेलगाम शहर में अमित शाह की आमद पर भाजपा और हिंदुत्ववादियों ने राम मंदिर पर चंदा इकट्ठा करने का भी काम जारी किया है। शीतला हासिल है। आज बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि कोरोना सियासी इजलासों में भाग जाता है। एक बार फिर कोरोना भाजपा की रैलियों से भागता दिखाई दिया। खासकर मोदी, अमित शाह या योगी की रैलियां कोरोना प्रूफ होती हैं क्या? ऐसा सवाल अवाम की जानिब से किया जा रहा था। आज बेलगाम शहर में अमित शाह का कामयाब इजलास रहा। एक तरह से जैसे अवाम कहती है, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा की गई थी, इसे कामयाबी कहा जा सकता है। भाजपा के तमाम कायदों ने अतराफ के गांव से लोगों को गाड़ियों के जरिए बुलाया था। यहां तक महाराष्ट्र से भी कई सवारियां दाखिल हो चुकी थी। वैसे भी अवाम को जोड़कर कामयाब इजलास करने में भाजपा कायद माहिर है। अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि मरकज में वजीर आजम मोदी और रियासत में वजीर आला येडुरप्पा एक तरह से डबल इंजन की तरह है और इसी डबल इंजन के जरिए तरक्की हो सकती है। वजीर दाखिला अमित शाह ने पंचायत चुनाव में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इसके आगे हर चुनाव में आपको 75% से भी ज्यादा जीत दर्ज होनी चाहिए। खासकर रानी चन्नम्मा और संगोली रायन्ना का जिक्र इन्होंने किया और कहा कि इनकी कुर्बानी को कैसे भूल सकते हैं। आगे उन्होंने अपनी बात करते हुए कहा कि बेलगाम के कई सुरेश अंगड़ी मेरे काफी करीबी थे, एक होनहार कायद को हमने खो दिया है, ऐसा भी कहा। वैसे भी पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कोई भाजपा का इजलास मुकम्मल हो सकता है क्या? लिहाजा एक बार फिर भाजपा ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर पीठ थपथपाते हुए कहा कि किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करे, पर मोदी हुकूमत ने ये कर दिखाया। 70 साल से ये काम कांग्रेस नहीं कर पाई। इसी तरह से कश्मीर में 370 धारा हटाने पर अपनी कामयाबी के तौर पर पेश किया। भाजपा का कोई भी कायद राम मंदिर को कैसे भूल सकता है? लिहाजा वजीर दाखला ने देश की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर राम मंदिर को बताया और कहा कि 550 साल से तामीर करने का काम सिर्फ मोदी ने किया। कांग्रेस पर तंज करना भी नहीं भूले और कहा कि सिर्फ जबानी जुमले आश्वासन दिए गए कि कांग्रेस ने गरीबी नहीं हटाई बल्कि गरीबों को ही हटाया। 60 करोड़ बैंक खाते खोले गए, 13 करोड़ घरों में गैस आई और 60 करोड़ लोगों के आयुष्मान के तहत 5 लाख रुपए देने का वादा भी मोदी हुकूमत ने किया, ऐसा कहा। कोरोना वैक्सीन पर कांग्रेस या दिगर सियासी पार्टियां सवाल उठा रहे हैं, पर दोनों वैक्सीन पूरी तरह से महफूज होने की बात वजीर दाखला ने कही। वजीर आला येडुरप्पा अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, वजीर आजम इनके काम से बेहद खुश हैं। मुंबई, कर्नाटक का बेलगाम, इस तरह बेलगाम का जिक्र वजीर दाखला अमित शाह ने किया। बेलगाम के मरकज वजीर सुरेश अंगड़ी की कोरोना से मौत हुई थी। वजीर दाखला अमित शाह ने इनके स्फूर्ति इमारत को जाकर
मरहूम सुरेश अंगड़ी के घर वालों से मुलाकात फरमाई। सुरेश अंगड़ी बेहद अच्छे इंसान थे, लिहाजा कोरोना में देखभाल भी की गई, पर इनकी मौत से पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ऐसा कहा उन्होंने। सुरेश अंगड़ी की बीवी मंगला, बेटी स्फूर्ति और श्रद्धा, डॉक्टर राहुल पाटिल, संकल्प शेट्टर, भाई मोहन अंगड़ी, इनसे गुफ्तगू फरमाई और घर वालों के गम में शरीक होने की बात कही। इस वक्त वजीर आला येडियुरप्पा, भाजपा रियासत के जिम्मेदार अरुण कुमार, सदर रियासत नलीन कुमार कटील, प्रहलाद जोशी, जगदीश शेट्टर, एमएलए अनिल बेन के मौजूद थे। आज बेलगाम शहर में मराठियों की जानिब से शहीदी दिन मनाया गया। महाराष्ट्र से रियासती वजीर येड्रावकर पाटिल बेलगाम में दाखिल होना चाहते थे, पर कर्नाटक पुलिस ने इन्हें सरहद पर ही रोक दिया। हुतात्मा दिन के मौके पर बेलगाम में आना चाहते थे रियासती वजीर, वही दूसरी ओर महाराष्ट्र के वजीर आला और शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बेलगाम के मराठी अवाम कन्नड़ इलाके में कैद हैं और इन्हें महाराष्ट्र में किसी हाल में शामिल करना होगा। आज हुतात्मा दिन यानी शहीदी दिन के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा कि जिन मराठी लोगों ने मराठी की अजमत के लिए और महाराष्ट्र में दाखिल होने के लिए कर्नाटक के जालिमाना रवैये की मुखालफत में अपनी जानों के नजराने पेश किए, शिवसेना और महाराष्ट्र हुकूमत बेलगाम और अतराब के गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए कोशा है। बेलगाम शहर को लेकर महाराष्ट्र कर्नाटक तनाजा काफी पुराना है। बेलगाम की महाराष्ट्र एकीकरण समिति की तहरीक कुछ धीमी होती दिखाई दे रही थी, पर अब उद्धव ठाकरे काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने बेलगाम के मराठी आवाम को ट्वीट के जरिए बेलगाम सरहदी मसले को नई दिशा देने की कोशिश की। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा कि उद्धव ठाकरे की बेलगाम को लेकर दिलचस्पी, आक्रामकता क्या महज सियासी है या नहीं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।